हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। आप देख सकते हैं ऑटोडेस्क फॉर्मिल के अंदर ये मॉडल है, 3D है। इसका प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग, तो देख सकते हैं इसमें शेप क्या है। जो हमारा ऐसा आर्क दिया गया है, इधर रेडियस है, इधर रेडियस है, ऊपर टॉप पे भी रेडियस है, इधर हमारा रिब्स छोटे छोटे दिए गए हैं। तो अभी इसका प्रोग्रामिंग हमको करना है 3D में, तो किस तरह से करेंगे जिसमें इजी तरीके से प्रोग्राम और कम कमांड में प्रोग्राम बन जाए ऐसा। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको बनाने का बताने वाला हूँ, बना के कि हमारा प्रोग्राम इसका 3D का कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एक चैनल है, इसका नाम है कैड मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो। उस पर मैं डिजाइनिंग से रिलेटेड और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। आप जाके देखिए, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये देख सकते हैं कि ये हमारा मॉडल है। अभी आपको एक मॉडल आएगा तो आपका सॉलिड आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और रफिंग कर देना पड़ेगा। तो मैं इसको रफ कर दिया, रफिंग का प्रोग्राम चला दिया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। रफिंग का कटर जैसे मैं चला दिया 25 का, तो आपको रेस्ट उसके हिसाब से ही चलाना है, क्योंकि आपको कोई भी ध्यान रखना है कि हमारा इधर प्रोफाइल में जो डिस्टेंस हो कितना कम से कम हो, उसके हिसाब से आपको रेस्ट का कटर डालना है। ठीक है, तो अभी मैं 25 पे चलाया। उसके बाद मैं क्या कौन सा कटर चला देता हूँ, 12 के एंड में चला दिया। मैं 16 का क्यों नहीं चला, क्योंकि इतना ज़्यादा फाइल नहीं है, मतलब हमारा 25 में बहुत ज़्यादा निकल जाता है, कमी बचता है। उसके बाद 12 चला दिया। फिर सेम उसी की तरफ मैं कितने चला दिया, 8 का चला दिया। क्यों मैं 8 का चलाया, क्योंकि मेरा 8 का चलाते हैं तो भी चलता है, क्योंकि 12 के बाद 8 का अगर मैं अगर छोटा चलाऊंगा, देख सकते हैं कि हमारा इधर भी मीटर भी बहुत भरा हुआ है। तो हम लोग 8 का ही चलाया, उससे कम भी चला सकते हैं, कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे आप 16 25 के बाद 12 चला दोगे, 12 के बाद सीधा 4 के भी चला सकते हैं, लेकिन 12 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस है वो मटेरियल रफिंग में आपको निकालना पड़ेगा। तो आपका जो छोटा वाला कटर चलाओगे तो स्टेप ओवर में पूरा टाइम बहुत ज़्यादा खा जाएगा। इसके लिए आपको स्टेप ओवर कटर के थोड़े डिस्टेंस में आपको चलाना पड़ता है। 8 का चला दिया, अगर अभी हमारा 8 में भी मटेरियल निकला नहीं है फिर इधर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इधर देख सकते हैं कि मटेरियल भरा हुआ है अभी। ये सब करने के लिए आपको एक स्टॉक मॉडल क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें मैं किया हूँ स्टॉक मॉडल, उसके हिसाब से प्रोग्राम बना रहा हूँ स्टॉक मॉडल। फिर से मैं एक रेस्ट छोड़ देता हूँ 4 का कटर पे, 3 का कटर पे छोड़ा हूँ, देख सकते हैं। तो 3 का कटर से क्या हुआ, मेरा इधर का मटेरियल निकल गया, जिसके अंदर जो रफिंग है वो भी चल गया, और मेरा सब बेरंग मटेरियल निकल चुका। अब मेरा ये कहाँ तक हो गया, रात रेस्ट तक का पूरा मटेरियल निकल गया। अभी मैं स्टॉक मॉडल में इसको दिखा देता हूँ आपको कि कितना मटेरियल बचा हुआ है। अभी इधर जाने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, कैलकुलेट है इक्की करके आपको दिखा देता हूँ। इक्की करके देख सकते हैं हमारा सब बेरंग मटेरियल निकल चुका है इसमें। अभी तो खाली किधर है, जितना हम स्टॉक रखे हैं उतना ही मटेरियल हमारा इसमें। स्टॉक मॉडल को बंद कर देता हूँ, प्रोग्राम में आ जाते हैं। अभी हमको ये हो गया सेमी फिनिशिंग चलाना है, तो हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेट में सेमी फिनिशिंग इतने ही एरिया में और 8 के आरवन से चला दिया। क्यों, क्योंकि इतना एरिया मेरा खुला है जो चल सकता है 8 के आरवन से, हम लोग 10 के आरवन से भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 8 के आरवन से मैं सेमी फिनिशिंग कर दिया, फिर फिनिश कर दिया। अब इसमें मेरा है, अभी इसमें अंदर जो स्टॉक रखे हैं वही है, स्टॉक कितना रखे हैं, 0.5 का। ये देख सकते हैं मैं क्या किया, 0.5 का स्टॉक रखा हूँ इसके अंदर, 0.5 का स्टॉक है। तो अब इसके अंदर 0.5 का स्टॉक है, मैं क्या किया, सेमी इधर का हमारा प्रोफाइल फिनिश हो गया पूरा, सेमी फिनिशिंग फिनिशिंग हो गया। अभी इसके अंदर मेरा खाली इस एरिया में मेटल है, इस एरिया में मेटल है और इधर मेटल है, इसको हमको ये सब बंद कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पैच कर लेंगे, इसमें मैं पैच कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक फाइल है, मैं अपना पैच सर्फेस बनाया हूँ, उसके अंदर हम लोग को क्या करना है, पैच कर लेना है इसको, हमारा जो सर्फेस एरिया है उसको पैच कर लेते हैं। सरफेस को पैच कर लेते हैं, मैं क्या किया, सरफेस को इनपुट कर लिया और आखिर पैच हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मैं इसको सरफेस को इनपुट कर लिया हूँ, तो देख सकते हैं इनपुट हो रहा है, ये देख सकते हैं इनपुट हो गया। अभी इनपुट होने के बाद देख सकते हैं कि हमारा सरफेस पूरा पैच हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करने बस, एक बार मैंने बॉटम फिनिशिंग चला दिया, बॉटम फिनिशिंग चलाते टाइम से आपको स्टॉक स्टॉक रख के चलाना है, क्योंकि इस एरिया में फिनिशिंग नहीं हुआ है। तो मैं स्टॉक रख के इसको बॉटम फिनिशिंग कर दिया, बॉटम फिनिशिंग कर दिया। अब खाली मेरा जो प्रोफाइल है उसके एरिया में खाली मेटल है, बाकी बॉटम फिनिशिंग कर दिया। बॉटम फिनिशिंग बाद में भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मैं पहले कर दिया लेकिन बाद में भी कर देते तो भी चलेगा। मैं इसके बाद क्या किया, मैं इधर एक 2D का प्रोग्राम बना दिया, 2D नहीं सॉरी, मैं क्या किया, कॉन्सेंट्रेट का प्रोग्राम बना दिया, क्योंकि इसमें मेटल था तो मेटल दोनों बाजू से निकाल लिया मैं। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, इसको फिनिश भी कर दिया, सेमी फिनिशिंग कर दिया 3 के एंड में से। फिर उसके बाद में क्या किया, फिर सेम कॉन्सेंट्रेट का प्रोग्राम में बॉल चला दिया, एंड में चला दिया, एडमिन चलाया। इसकी वजह से 3 का बॉल चलाता अगर, तो मेरा जो नीचे का बॉटम का रेडियस है ये छोटा है,
उधर बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है, इसके लिए मैं 3-4 रेडिएशन इनमें चला दिया और कॉन्सेंट्रेट के प्रोग्राम पे जो है जिसे मैं फिनिश किया हूँ, जो प्रोग्राम है इसको फिनिश किया हूँ। इसमें मैं एक यूजिंग कप्स का ऑप्शन आता है, आप देख सकते हैं, वो ऑप्शन को ऑन किया हूँ जिससे मेरा प्रोफाइल फिनिश हो जाएगा, ये वाला देख सकते हैं इधर, और उसको मैं क्या किया ऑन करके रखा हूँ। ठीक है, ये हो गया, अभी हमारा ये वाला एरिया पूरा फिनिश हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें, तो इसको भी हम लोग क्या किए, पहले सेमी फिनिशिंग कर दिए, सेमी फिनिशिंग कर दिए। सेमी फिनिशिंग करने के बाद फिर से मैं क्या किया, सेमी फिनिशिंग करते टाइम देख सकते हैं कि हमारा ये वाला अंदर प्रोग्राम इसके अंदर नहीं घुस रहा है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद ये फेस तक चला दिया, उसके बाद मैं क्या किया, मैं 2D से इसका मेटल निकाल दिया, क्योंकि 2D कटर चला सकते हैं 2 का, और मैं उसके हिसाब से कटर के हिसाब से 2D प्रोग्राम बना दिया, मेटल निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, मेटल निकल गया, तो ये हमारा फिनिश यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम लोग इस एरिया में, अभी ये हमारा इधर का एरिया पूरा बचा हुआ है, इसको हमारा ये क्या करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सरफेस को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं, मैं पैटर्न दिखा देता हूँ आपको। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सेंटर क्या करना पड़ेगा आपको, इसका दोनों का सेंटर पे पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। मैं पैटर्न क्रिएट किया हूँ, दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं पैटर्न एक क्रिएट है, इसके सेंटर पे एक पैटर्न क्रिएट कर दिया मैंने। पैटर्न क्रिएट करने के बाद मैं क्या किया, एक प्रोग्राम बना दिया, कौन सा कमांड में प्रोग्राम बना दिया वो भी दिखा देता हूँ आपको। इसके सेटिंग्स में जाकर देखें, पैटर्न फिनिशिंग का कमांड में प्रोग्राम बना दिया, ये प्रोग्राम बन गया। लेकिन अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घुमा देंगे एंगल में, क्योंकि इसका एंगल हमको पता है, कौन सा एंगल हमको इस जगह से इस जगह का एंगल, ये एंगल जो हमारा है पता है हमको, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एंगल में कर लेंगे। इसको एंगल में कैसे करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। मैं एंगल कर दिया तो मेरा यहाँ तक का प्रोग्राम बन गया, ये देख सकते हैं, क्योंकि पूरा प्रोग्राम बन गया, एक ही कमांड किया बाकी एंगल कर दिया, तो हमारा सब प्रोग्राम बन गया। अब इसको हमको क्या करते हैं, एंगल कैसे करते हैं, इसको राइट क्लिक करोगे ना तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा एडिट, एडिट में जाएंगे ना तो ट्रांसफॉर्म, इसमें क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है। इसके ऊपर देख सकते हैं कि इसमें हमारा लाइनर का ऑप्शन है, इसमें हम लोग लाइन कर सकते हैं, इसके बाद में सर्कल का है, राइट एंगल राइट एंगुलर का भी है, सर्कल का, दोनों ऑप्शन जो चाहिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि ये हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ तक का हमारा प्रोग्रामिंग पूरा हो गया, फिर इसको हम लोग लाइनर कर दिया, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसको, अभी हमारा टॉप पे भी एक बॉल है, तो हम लोग क्या किए उसमें भी एक पैटर्न क्रिएट कर देंगे, उसके सेंटर पर देख सकते हैं, उसके पैटर्न भी क्रिएट किया उसके सेंटर पर, सेम उसी प्रोग्राम हम लोग क्या करेंगे, उसमें भी बना लेंगे एक, जो हमारा 3D कर्वेचर बन जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पर फिर पैटर्न फिनिश पे जाके उसका एक प्रोग्राम बना देंगे, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हमारा इसका जो सर्कल एरिया है, जिसे मैं दिखा देता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये वाला, ये बड़ा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप वर में चलाना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, स्टेप वर में प्रोग्राम बना दिया, स्टेप वर के लिए मैं क्या किया, ऑप्टिमिस्टिक कॉन्सेंट्रेट का प्रोग्राम यूज कर लिया, तो हमारा वो भी बन गया। अब हम लोग सेंटर डी बीच में मार दिया, ये हो गया। अभी हमारा 3D का प्रोग्राम में कितना कमांड यूज किया, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 4, 15, टोटल 15 कमांड यूज किया, जिसमें हमारा पूरा प्रोग्राम इसी तरह से बन गया और फिनिश हो गया। अभी इसको हमको सिमुलेशन करके देखना है, हम लोग सिमुलेशन करके भी देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो मैं आपको सिमुलेशन करके भी दिखा देता हूँ कैसा इसको हम लोग सिमुलेशन करने के बाद आ रहा है। अगर किधर पूरा हमारा गलत रहेगा तो उस एरिया में रेड मार्क हो जाएगा, मतलब रेड दिखाने लगेगा। अभी उनको सिमुलेशन कर देते हैं, अभी सिमुलेशन करके देख लेते हैं इसका हम लोग, ये हमारा कहीं डाउट है, गड़बड़ गलती रहेगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, सिमुलेशन में चले जाएगा, सिमुलेशन कर देते हैं। अभी देख सकते हैं मैं इसको सिमुलेशन कर दिया हूँ, तो हमारा पूरा प्रोग्राम इसके अंदर चल चुका है, अभी कहीं भी रेड मार्क नहीं दिख रहा है और हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो बना हुआ है। इधर हल्का जो रेड मार्क दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि जो हमारा हल्का हल्का रेड दिख रहा है, जो हल्का लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन क्या है मालूम है, जैसे जब हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं ना तो कलर चेंज होता है, तो जैसे ग्रीन येलो ऐसे हमारा कलर चेंज होता है हर कमांड जब प्रोग्राम चलाते हैं अलग अलग, तो ऐसा। और देख सकते हैं कि हमारा पूरा प्रोफाइल इसके अंदर बन गया है, ये देख सकते हैं, ऐसे दिखने तो आपको समझ में आएगा, देख सकते हैं कि पूरा अच्छी तरह से दिख रहा है कि हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया है और इसमें कोई भी रेड मार्क नहीं दिख रहा है ऐसा। तो हमारा जॉब इस तरह से हमको प्रोग्राम बनाना रहेगा और ऐसे। तो अगर आपको कुछ इसमें डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, नए क्वेश्चन सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए।